बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, रब्बे ज़िदनी इल्मा। इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस, और ये हमारा कोर्स बीकॉम के लिए, बीबीए के लिए, एमबीए के लिए और जॉब्स के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। और आप कंप्लीट कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं हार्वर्ड एकेडमी से। वेबसाइट गिवन है और व्हाट्सएप नंबर भी गिवन है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो जैसा कि आपको नाम से ही जाहिर होगा कि जब हमने प्रोडक्शन करनी है किसी भी किस्म की हो, तो हमारे पास कौन से अवामिल हैं, कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जिनको हम बरूए कार लाते हुए, इस्तेमाल करते हुए प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो प्रोडक्शन की नेचर, सर्विसेज की प्रोडक्शन भी हो सकती है, गुड्स की प्रोडक्शन भी हो सकती है, तो एक मिक्स भी हो सकता है जिसमें सर्विसेज और गुड़ दोनों मिक्स हों। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिनको हम इस्तेमाल करते हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो उनमें सबसे पहले लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, फिज़िकल रिसोर्सेज जैसा कि लैंड वगैरह। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर रिसोर्सेज और इनपुट्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। द कंपोनेंट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर, जो के पहले नाम ले चुके हैं, यानी कि ये इनपुट है हमारे पास। और आपको पता है कि इनपुट नहीं होगा ना तो प्रोसेस होगा और ना उससे कोई आउटपुट होगा। तो इनपुट में हमारे पास प्रोडक्शन के लिए इन चार एलिमेंट्स में से मिक्सचर एक या दो या कोई भी सिंगल एट अ टाइम होना लाजमी है। तो लेबर में क्या क्या चीज़ आती है? लेबर में जितनी भी एचआर आती है, ह्यूमन रिसोर्स का इस्तेमाल, उसको लेबर कहते हैं। लेबर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। लेबर आर द पीपल हु वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोवाइड फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट्स इन प्रोडक्शन प्रोसेस। तो इसमें दो बातें की गई कि एक तो फिज़िकल एफर्ट्स हो सकती हैं या फिर मेंटल एफर्ट्स हो सकती हैं। अब आपके पास एक आईटी का एक्सपर्ट है जो कि इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर लेट्स सपोज, वो मेंटल एफर्ट्स करता है, और एक हमारे पास मज़दूर हो तो वो फिज़िकल एफर्ट्स करता है। तो कहीं भी इंसान मौजूद नहीं है तो प्रोडक्शन को आप नहीं कर सकते। अल्टीमेटली ह्यूमन रिसोर्स ही वो चीज़ होती है जो उसको ऑपरेट करती है सिस्टम को, भले वो टोटली इनोवेटिव ऑटोमेटेड क्यों ना हो, मशीनरी बेस्ड ना हो। कैपिटल क्या होता है कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हों, पैसा हो उसकी जो है, बाकी पैसे के अलावा आपके पास जो मशीनरी है या इस तरह की जो चीज़ें हैं वो कैपिटल में आती हैं। अगर किसी ने बिज़नेस सेटअप करना था तो एक ने अपनी फाइनेंशियल एड दी, तो दूसरे ने अपना कोई कैपिटल ज़मीन वगैरह दे दी, तो वो कैपिटल ओवरऑल बन जाता है। लेकिन अल्टीमेटली हम अक्वायर इसको पैसे से ही करते हैं। कैपिटल इज़ द अमाउंट और प्रॉपर्टी विच इज़ इन्वेस्टेड बाय इन्वेस्टर्स इन द बिज़नेस टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। तीसरे नंबर पे क्या है कि एक बिज़नेस माइंड का होना भी ज़रूरी है। आपके पास हर एक माशरे में देख लें, हर एक के पास कुछ ना कुछ मौजूद होता है लेबर के हिसाब से। अगर कोई और नहीं है तो एक खुद वो होगा, उसकी फैमिली होगी, उसके दोस्त होंगे, उसके दोस्त इसमें इंक्लूड ना भी करें आप, उसके जो है जो बच्चे हैं वो भी होंगे एक अगर फैमिली है तो उनमें क्या है, लेबर तो है उनके पास, उनके घर में जमा पूंजी भी होगी। लेकिन अगर बिज़नेस माइंड नहीं है तो वो उनके पास रुपया पैसा जो है या जो कैपिटल है, एचआर है, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स है, वो ऐसे ही पड़ी रहेगी, उसका कोई इस्तेमाल नहीं है जब तक उनका बिज़नेस माइंड ना हो। बिज़नेस माइंड की कुछ क्वालिटीज़ होती हैं कि बिज़नेस माइंड क्या करते हैं, तो बिज़नेस कोई ना कोई जनरेट होता है। तो उसके लिए कि जो एक इंडिविजुअल बिज़नेस माइंड होता है वो आइडेंटिफाई करता है, चीज़ें नज़र नहीं आ रही होती ना, उसको कोई गाइड करता है, लेकिन वो खुद अज्यूम करता है कि यहाँ पे कोई ना कोई गैप है जो मैं फिल कर सकता हूँ। तो वो अपॉर्चुनिटी, उस मौके को आइडेंटिफाई करता है, वो उसकी तलाश में रहता है, और उसको जहाँ पर स्पेस मिलती है तो वो ये काम करता है। अब आपने कभी किसी के साथ थोड़ी सी वॉक किया हो दोस्त के साथ, तो उनमें से कोई ना कोई आपको आइडिया दे रहा होता है कि
ये काम यहाँ पे नहीं है तो ये होना चाहिए, ये काम यहाँ पे नहीं है तो ये होना चाहिए, तो दूसरे जबकि उसकी तरफ सोच ही नहीं रहे होते, तो इट्स मीन कि उसकी जो आइडेंटिफाई करने की अपॉर्चुनिटीज़ को सलाहियत है और वो इस तरह का माइंड रखता है। इसके अलावा एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, उससे अगली खूबी उस फर्द की होती है जो एंटरप्रेन्योरशिप करने वाला है, यानी कि बिजनेस माइंड पर्सन जो है, वो क्या करता है कि जब मौका मिलता है, जो चीज़ उसको नज़र आती है, तो वहाँ पे वो अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करके बिज़नेस को स्टार्ट करता है। फिर क्या करता है, इस जो उसने अपॉर्चुनिटी को फाइंड किया, रिसोर्सेज को एलोकेट किया, उससे क्या हुआ, उसने बिज़नेस को रन किया और अपनी दौलत को बढ़ाता है, और ये सारा करने के प्रोसेस में वो रिस्क भी लेता है। तो ये सारे के सारे एलिमेंट हैं कि एक अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना, रिसोर्स को एलोकेट करना, रिस्क लेना और उससे जो है वो दौलत को बढ़ाना, ये उसके एलिमेंट्स होते हैं। फिज़िकल रिसोर्सेज में आते हैं जो ज़मीन वगैरह होती है। फिज़िकल रिसोर्सेज इंक्लूड लैंड, नेचुरल रिसोर्सेज, बिल्डिंग, व्हीकल एंड मशीनरी दैट आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो ये जितनी चीज़ें फिज़िकल रिसोर्सेज जो हमें नज़र आ रहे होंगे, ज़मीन के अलावा बाकी जो हैं, सॉरी ज़मीन इसमें शामिल है, कैपिटल के अलावा जो कि कैपिटल रुपया पैसा है, और उसके अलावा जितनी जो चीज़ें फिज़िकली हमारे पास मौजूद होंगी वो होंगी फिज़िकल रिसोर्सेज में। तो सम टाइम इसको लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योरशिप भी कहते हैं, यानी कि फिज़िकल रिसोर्स की रिसोर्सेज की जगह सिर्फ लैंड भी ले लेता है, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा वाइडर स्कोप में देखें तो ये लैंड भी इंक्लूड होता है, नेचुरल रिसोर्सेज भी, बिल्डिंग, व्हीकल, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये ऐसी जो फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपके हर जगह पे आपको आइडियाज़ को जनरेट करने में, एक्सप्लेन करने में आपके काम आएगा, तो ये आपको याद रखना चाहिए। और आज के लेसन में इतना ही, खुदा हाफिज़।